गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अस्ट्रक्चर ऑफ़ एटम और अस्ट्रक्चर ऑफ़ एटम में यह हमारा लेक्चर वन कहा जाएगा क्लास इलेवन में और इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोर्स मॉडल ऑफ एटम मतलब इसमें जब बोर्स मॉडल ऑफ एटम बनना शुरू हुआ तो हम लोग इसमें यह देखेंगे कि वो कौन कौन सा डेवलपमेंट हुआ जिससे नील्स बोर ने रदर फोर्ड्स के थ्योरी को इम्प्रूव किया ठीक है तो उसमें हुआ ये था कि जब मैटर पर रेडिएशन के द्वारा कई बार अटैक किया गया तो उसमें जो भी एक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आए इससे बहुत सारी जानकारियाँ सामने निकली और उसी के आधार पर नील्स बोर ने रदर फोर्ड के द्वारा दिए गए एटॉमिक मॉडल्स को इम्प्रूव किया इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि टू डेवलपमेंट्स प्लेड ए मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम दिजवर पहला ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रो रेडिएशन और सेकेंड है एटोमिक स्पेक्ट्रा यानी कि जब बोर मॉडल ऑफ एटम का बनना शुरू हुआ तो इस पर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स थे जिनका बोर्स मॉडल को बनाने में एक बहुत ही अहम रोल यहाँ पे आया पहला तो आता है डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो प्रकार के कैरेक्टर होते हैं पार्टिकल का भी कैरेक्टर और वेव का भी कैरेक्टर और सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में इसके बाद सबसे पहला इसमें पॉइंट है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तो ये हमारे जेम्स मैक्सवेल हैं और जेम्स मैक्सवेल वाज द फर्स्ट टू गिव ए कॉम्प्रेहेंसिव एक्सप्लानेशन अबाउट द इंट्रैक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडीज एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैगनेटिक फील्ड्स ऑन माइक्रोस्कोपिकल जेम्स वेल जेम्स मैक्सवेल ही वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को एकदम से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर समझाया था देखो जैसे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में यहाँ पर ये एक पार्टिकल दिखाया गया है ये बिल्कुल एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है और जब ये एसिल्रेटिड होता है तो इस एसिल्रेशन के कारण इसमें से एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बाहर निकलते हैं और क्योंकि ये दोनों वेव के रूप में होते हैं और इसीलिए ऐसे वेव का नाम पड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं लाइट के बारे में कि लाइट वेव है या पार्टिकल तो शुरुआती दिनों में न्यूटन्स ने लाइट को पार्टिकल से मिल करके बना हुआ माना था जिन्हें कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं लेकिन मैक्सवेल फिर से सबसे पहले लाइट्स के विषय में बताया कि इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स दोनों मौजूद होते हैं तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें हम सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों होते हैं ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन में है और ये दोनों के दोनों स्पीड के भी बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये जो रेड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन को दिखाता है और ये जो ब्लू है ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन को दिखाता है तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं और बिल्कुल इनमें जो है वेलोसिटी के भी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये इनका पहला कैरेक्टर होता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं दो लगातार क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेव के द्वारा दिखाया गया है इसके बाद सेकेंड में हम लोग देखते हैं कि मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है जैसा कि साउंड या वाटर वेव्स में चाहिए होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैकम में भी ट्रैवल कर सकता है और थर्ड पॉइंट में ये है कि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो वेवलेंथ और जो भी फ्रिकवेंसीज है उसका एक वाइड रेंज होता है और उस वाइड रेंज के आधार पे यहाँ पे इनको गामा रेज एक्स रेज अल्ट्रा वायलेट रेज विजल रेज इन्फ्रा रेड रॉडार वेव्स कई तरह के वेव्स पर इनको यहाँ पे बांटा गया है ठीक है और यहाँ पे हम लोग अगर वेवलेंथ को देखें तो यहाँ पे दिखाया गया है कि गामा रेज का जो वेवलेंथ है वो लगभग 10 टू द पावर माइनस फोर्टीन से लेकर 10 टू द पावर माइनस ट्वेल्व मीटर के रेंज में है ऐसे ही हमारा जो विजिबल लाइट है यहाँ पर भी उसका एक अलग से वेवलेंथ दिया गया है इसमें हम देखते हैं कि जो वायलेट है इसका वेवलेंथ सबसे कम है लगभग 400 नैनोमीटर के अबाउट और जो रेड हैं उनके ज़्यादा हैं लगभग 700 नैनोमीटर के अबाउट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैरेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो इसमें जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनमें फ्रीक्वेंसी होते हैं वेवलेंथ होते हैं वेव नंबर होते हैं तो फ्रीक्वेंसी में क्या है नंबर ऑफ वेव्स दैट पास ए गिवेन पॉइंट इन वन सेकेंड और इसका यूनिट हट होता है यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक पॉइंट पर एक सेकेंड में जितने वेव्स पास होंगे एक सेकेंड में है ना उसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे इसका यूनिट हट जो होता है इसके बाद सेकेंड में है वेवलेंथ तो वेवलेंथ का मतलब क्या होगा द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कंज्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इसका ऐसा यूनिट मीटर होगा और इसके बाद जो वेव नंबर होता है तो इसमें हम लोग फ्रिक्वेंसी के ऊपर बार देते हैं यह है नंबर ऑफ वेब पर यूनिट लेंथ और इसका एस यूनिट पर मीटर होता है दरअसल ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है इन तीनों में रिलेशन देखें तो सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैमडा आएगा और ध्यान रहे वैकम में जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं चाहे उनका वेवलेंथ कुछ भी रहे ये सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं थ्री इंटू टें पावर एट मीटर पर सेकेंड और इसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट कहते हैं और इसे C सिंबल से दिखाया जाता है अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में यानी कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में तो उसके लिए हम लोग यह देखें कि कुछ जो एक्सपेरिमेंटल फेनोमेना है जैसे में डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस उसे तो वेव नेचर के आधार पे समझाया जा चला गया तो इसमें डिफ्रैक्सन क्या होता है तो अगर लाइट वेव किसी भी ऑबस्टिकल से टकरा करके मुड़ जाती है तो इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं और यहीं जब मुड़ने पर दो या दो से अधिक वेव आपस में ज्वाइंट होकर के एक नए वेव को बनाते है, तो हैं तो इसे इंटरफेरेंस कहते हैं तो जैसा कि यहाँ पर फोटो में दिया गया है ये एक लाइट सोर्स है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है और एक यहाँ पर होल दिया गया है तो जैसे ही लाइट सोर्स इस होल से टकराता है देखो ये दोनों डायरेक्शन में ऊपर और नीचे मुड़ जाता है यह जो घटना है यह डिफ्रैक्शन है इसके बाद यहाँ पर जब दो होल्स लिया गया है S1 और S2 तो जब यहाँ पर भी डिफ्रैक्शन यहाँ पे होता है तो ध्यान दो यही दोनों डिफ्रैक्टेड रेज आपस में मिक्स होते हैं है ना और मिक्स होने के बाद एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं ठीक है तो यह जो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस है इसे साबित किया जा सकता है वेब थ्योरी के आधार पर हल हावे भर फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑब्जरवेशंस विच कुड नॉट बी एक्सप्लेंड विद द हेल्प ऑफ इवन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ नाइनटीन सेंचुरी फिजिक्स जिसे हम लोग क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और ये फेनोमेना में है द नेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फिर है लाइन अस्पेक्ट्रा ऑफ आइटम विथ स्पेक्ट्रल रिफ्रेंस ऑफ हाइड्रोजन तो हमारा लेक्चर वन यहीं पे समाप्त होता है लेक्चर टू में हम यहाँ पर से द नेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में डिटेल से बताएँगे